शहरी योजनाओं का विस्तार सेवा पहुंच रही है आपके द्वार का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल के माध्यम से किया। इस अवसर पर विधायक महापौर शामिल रहे। दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल के माध्यम से विभिन्न योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मितान योजना का अब 46 नगरीय निकायों में विस्तार, 44 नगर पालिका व 2 नगर पंचायत, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में अब 30 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट से होगी, 60 शहरों की सुविधाओं में और अधिक सुधार, दाई दीदी क्लिनिक की सुविधा अब 16 शहरों में मिलेगी। साथ ही UIPA का शिलान्यास 58 नगरीय निकायों का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, जिसमें 14 नगर निगम एवं नगर पालिका भी शामिल है। इसी कड़ी में वर्चुअल कार्यक्रम में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल सहित भिलाई निगम महापौर धीरज बाकलीवाल सहित निगम अधिकारी व पार्षद उपस्थित रहे। इस संबंध विधायक महापौर ने प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश के सहज सरल मुख्यमंत्री ने सर्वहारा वर्ग के लिए इन 4.5 वर्षों में योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ अंतिम प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो कल्पना हमने की थी, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों ने कल्पना की थी कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा होगा, हम बहुत उसको ऊंचाइयों पे बढ़ते देखेंगे, लेकिन 15 साल तक ये आशाएं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धूमिल हुई। अब जो युग आया है, ये भूपेश बघेल भूपेश सरकार का भरोसे की सरकार है, भूपेश बघेल पे भरोसा है, और आप देखेंगे इतनी योजनाएं बन गई है कि लोग लाभ लेते लेते इस बात से प्रसन्न है कि ऐसा लाभ तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार हम लोगों को मिला है। आज मुख्यमंत्री ने शहरी योजनाओं का विस्तार किया, जिसमें सेवा पहुंच रही है आपके द्वार। ये आप देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना का, अब 46 नगर निकायों में इसका विस्तार होगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में अब 30 नगर पंचायतों में निगमों में इसका लाभ होगा। यूपा का जिन्होंने शिलान्यास किया है, 58 नगरीय निकायों में इसका शिलान्यास किया, जिसमें 14 नगर निगम व 44 नगर पालिका समाहित है। तो आप देखिए, पहले हम लोग भटकते थे, अरे आप भी भटके होंगे ना, आय प्रमाण पत्र लेने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए, राशन कार्ड लेने के लिए, अब भटकना पड़ता है कि अब मितान आ रहे हैं, अब मितान पहुँच के आपको सेवाएँ दे रहे हैं और आपके मोहल्लों में बस पहुंच रही है, जो क्या बोलते बस को शहरी श्रम योजना के अंतर्गत जो एम्बुलेंस पहुंच रही है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। दाई दीदी क्लिनिक का आज उन्होंने शुभारंभ किया है, महिलाओं को कितना आसान हो गया, वे अपनी बीमारी खुलकर बता सकती है अपनी महिला चिकित्सक को, पहले उनको तकलीफ होती थी। और यूपा के अंतर्गत उद्यमियों को, नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। तो ये सारे कार्य की शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने की, हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। व्यक्ति को इकाई बनाकर योजनाओं का जो शुभारंभ उनके द्वारा किया जा रहा है, चाहे मितान योजना हो, चाहे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे यूपा हो, मितान योजनाओं में 25 प्रकार की सेवाएँ, घर पहुँच सेवाएँ दी जा रही है। उसी प्रकार से शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनाओं में गाड़ियां जाके मोहल्ले में इलाज कर रही है। यूपा में एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, दूसरी तरफ युवाओं को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए यूपा जैसे प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय विधायक जी को और समस्त हमारे मंत्रीगणों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।